दोस्तों देहरादून में खुला है उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल, जिसका नाम है मॉल ऑफ देहरादून। ये बना है देहरादून से हरिद्वार वाले हाईवे के ऊपर, थोड़ा शहर से बाहर है, 8-9 किलोमीटर पड़ जाता है हाईवे पे जाके, लेकिन लोकेशन बड़ी अच्छी है और इतना बड़ा मॉल बनाया है कि मज़ा आ गया इस मॉल में जाके। तो जो इस मॉल की सबसे अच्छी बात लगी मुझे, इसकी पार्किंग, जो इसने बेसमेंट लेवल ना बना के अपर लेवल पर बनाई है। देखो पार्किंग से कैसा नज़ारा नज़र आता है, और अपर लेवल से आप किसी भी फ्लोर में बड़े इजीली जा सकते हैं, आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा मॉल में जाने के लिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इस मॉल की, कि अपर लेवल पार्किंग है, लोअर लेवल ना हो के कि आप वहीं गाड़ी लगाओ और जस्ट 10-12 कदम चल के आप मॉल के अंदर पहुंच जाते हो। तो आजकल दोस्तों इस मॉल में लगा हुआ है डायनासोर शो, कोई ये देखिए आर्टिफिशियल डायनासोर है, लेकिन दिखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे ओरिजिनल डायनासोर हो। बड़ा अच्छा लगा यहाँ जा के, ये देखिए दिखाते हैं आपको डायनासोर, ये देखो कितना अच्छा डायनासोर बनाया है आर्टिफिशियल इन्होंने। ऐसे देखने में लग रहा था, पास जाके एकदम डर लग रहा था इसके, तो बड़ा अच्छा, बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बड़े भी एंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ साथ, बड़ों को भी अच्छा लग रहा था। बाकी जैसे हर मॉल में ब्रांड्स होते हैं टॉप ब्रांड, इस मॉल में सारे वो टॉप ब्रांड्स हैं बड़े बड़े। ये देखो अंदर इसका इंटीरियर देखो, अच्छा रश था, अच्छा रश था मॉल के अंदर, ये देखिए। और बना भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इसका, इंटीरियर भी अच्छा है, सब अच्छा है इसका। देखिए मॉल का खुला खुला है, इतनी भीड़ होने के बावजूद कोई भीड़ भाड़ से नहीं लग रहा था कि धक्का मुक्की वाला हिसाब हो या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं था। ये देखिए सारे बड़े बड़े ब्रांड थे इसके अंदर। दूसरा दोस्तों, जैसे देखो बड़े बड़े ब्रांड तो हर मॉल में होते हैं, ये हमने अक्सर देखा है, हर मॉल के अंदर होते हैं। एक जो मैंने इस मॉल के अंदर चीज़ देखी, एक ब्रांड था इजी बाय करके, जो मैंने आज तक कहीं किसी मॉल में नहीं देखा। ये देखिए एक पहले ये डायनासोर देख लीजिए, ये देखिए ऐसे ये डायनासोर बनाए थे इन्होंने आर्टिफिशियल, और दिखने में कितने लग रहे थे, ऐसे देख के डर से लग जाए। बड़े अच्छे बच्चे क्लिक करा रहे थे पिक्चर्स के साथ, बड़े भी करा रहे थे, हमने भी कराई, अच्छा लग रहा था। ये देखिए, अच्छा तो बात हो रही थी ब्रांड की, जैसे बड़े बड़े ब्रांड तो हर मॉल के अंदर होते हैं। पहले देख लीजिए डायनासोर, ये देखिए क्या लुक दिया, ये देखिए अच्छा था मॉल, बढ़िया मॉल बनाया, बहुत बढ़िया मॉल बनाया। अच्छा तो बात हो रही थी बड़े बड़े ब्रांड की, वहीं मैंने इस मॉल के अंदर ये देखिए ये ब्रांड देखा इजी बाय करके, तो मेरे को लगा इजी बाय फर्स्ट टाइम मैंने सुना। मैं इसके अंदर गया पर दोस्तों मैं देख के हैरान रह गया कि मतलब कि जेंट्स लेडीज़ किड्स हर तरीके के कपड़े, सबके कपड़े थे, फुटवियर भी थे। और ये देखिए प्राइस रेंज देख, प्राइस रेंज देखो 169, 199, 249, 279, 299, मतलब कितने, मतलब कि सस्ते कपड़े मैंने नहीं देखे किसी मॉल के अंदर जाके। ये देखिए ये 599 के सूट्स, लेडीज सूट्स कितने अच्छे, ये देखिए 199 की टी शर्ट्स, और स्टफ़ भी बड़ा अच्छा था। मुझे पहली बार ये ब्रांड नज़र आया इजी बाय, जैसे आप यहाँ जाके अच्छी शॉपिंग कर सकते हो, डेली वेयर के कपड़े जैसे आपको चाहिए हो तो आप यहाँ जाके कम पैसों में, इजी बाय इसका ब्रांड है, इसका शोरूम है इसके अंदर। ये देखिए क्वालिटी बड़ी अच्छी लगी मुझे कपड़ों की, और रेंज बड़ी सही लगी मॉल के हिसाब से। ये देखिए 169 के कपड़े, 799, 499, हर चीज़ थी, बच्चों के, बड़ों के, टीनेज के, सबके। ये देखिए काफ़ी रश था इसके अंदर मॉल, इस शोरूम के अंदर काफ़ी बड़ा शोरूम था। ये देखिए किड्स वियर 199 से स्टार्ट, किड्स वियर कितने सुंदर है बच्चों के कपड़े, ये देखो 199 से स्टार्ट है। और क्या चाहिए मॉल में जाके आपको, 199 से कपड़े अगर मिल जाते हैं बच्चों के लिए अपने, तो कितना मज़ा आएगा आपको मॉल घूमने का। मॉल घूमते घूमते आप अच्छी शॉपिंग भी कर सकते हैं। और इंटीरियर देखो कितना अच्छा है, लाइट्स वाइट्स कितनी अच्छी है उस हिसाब से। ये देखिए और रश था, लोग ले रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे इस मॉल में, इस शोरूम में। ये देखिए प्राइस रेंज अच्छी थी, मेरी वाइफ ने भी देखे, कई सूट देखी उसने। ये देखिए 169, बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये मॉल। और मॉल के अंदर ये वाला शोरूम इजी बाय के नाम से, आप भी कभी जाएँ तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इजी बाय में ज़रूर जाइए। वेस्ट साइड भी था इसके अंदर, लाइफस्टाइल भी था,
एरो, लिवाइस, पेंटालूंस, बड़े बड़े सारे ब्रांड थे, लेकिन जो मुझे जचा प्राइस रेंज के हिसाब से डेली वेयर अगर पहनने के लिए तो बहुत अच्छा था, इजी बाय। अब यहाँ जाके शॉपिंग कर रही है, देखिए डायनासोर तो भाई ऐसा था, हाँ, बिल्कुल डर भी लगता पास जाके, बड़ा अच्छा बनाया जिससे ही बनाया, बहुत बढ़िया बनाया। देखिए ये शो भी चलेगा थोड़े दिनों, आप जाके अपने बच्चों के साथ जाके इंजॉय कर सकते हैं, ये भी चलेगा थोड़े दिन। देखिए क्या बढ़िया लुक दिया मैंने इसके, बनाया बहुत ही बढ़िया बनाया। फिर इसके बाद घूमने के बाद हम लोग चले गए फूड कोर्ट में, इसका फूड कोर्ट भी अच्छा लगा मुझे। अभी तो खैर थोड़ा और बन रहा है, अभी एक साइड खुली है, एक साइड अभी खुलनी है। कालसंग वगैरह बड़े बड़े आ रहे हैं यहाँ पे, KFC वगैरह, डोमिनोज तो आ गए थे, वाव मोमोज भी आ गए थे यहाँ पे, ये देखिए। तो घूमने के बाद हमें भूख लगी तो मेरी वाइफ ने ले लिए छोले भटूरे, और मेरे को दिल के नॉनवेज खाने का, तो मैंने एक बदमाश कबाबी था उसका लिया, गुलाटी कबाब, ये लखनऊ का था बदमाश कबाबी, तो मैंने इसका ये मटन गुलाटी कबाब लिया। ओहो मज़ा आ गया भाई साहब, ऐसा गुलाटी कबाब नहीं खाया, बहुत बढ़िया था। और बाकी ये देखिए इसकी पार्किंग से नज़ारा, इसका पूरा मसूरी व्यू नज़र आता है पीछे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए पार्किंग बड़ी अच्छी लगी मुझे, पार्किंग एरिया इसका बहुत ही बढ़िया। चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। देखिए पार्किंग से नज़ारा कितना बढ़िया था, ये देखिए सामने पूरा मंसूरी व्यू नज़र आता था। ओके जी।